नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ वेदी। गर्भ संस्कार एक संस्कृति शब्द है जिसका अर्थ है गर्भ में शिक्षा। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि आपके गर्भ धारण करने के साथ ही बच्चे का मानसिक और व्यवहारिक विकास शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे का व्यक्तित्व गर्भ में आकार लेना शुरू कर देता है और यह गर्भ अवस्था में माँ की मनोदशा से प्रभावित हो सकता है। इसके बारे में प्राचीन शास्त्रों में भी बताया गया है, वेदों में भी यह बात शामिल है। गर्भ संस्कार के अनुसार आपका शिशु संगीत और अन्य आवाज़ों के साथ साथ आपके विचारों को भी पहचानता है, इनके प्रति प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। इसलिए परिवार के बुजुर्ग जोर देते हैं कि गर्भावस्था के दौरान सकारात्मक और तनावमुक्त रहना जरूरी है। क्या है गर्भ संस्कार? माता का एक एक क्षण व बच्चे का एक एक कण एक दूसरे से जुड़ा है। माता का खाना पीना, विचारधारा, मानसिक परिस्थिति, इन सभी का बहुत गहरा परिणाम है गर्भस्थ शिशु पर होता है। गर्भस्थ शिशु को संस्कारित व शिक्षित करने का प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। कई वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं, उन्होंने इससे सिद्ध किया है। हमारे धर्म ग्रंथों में प्रचलित है सभी मंत्रों में यही कंपन रहता है, ओम श्री क्लीम ह्रीम इत्यादि। गर्भस्थ शिशु को इन बीज मंत्रों को सिखाने की प्रथा हमारे धर्म ग्रंथों में है। गर्भ संस्कार की परंपरा किन चीजों में अभ्यास शामिल है? गर्भावस्था में माँ जितना खुश हो, सकारात्मक रहे, उतना ही शिशु के लिए अच्छा होता है। इसमें मदद करने के लिए गर्भ संस्कार में बहुत से अभ्यास और तरीके बताए गए हैं, जैसे संगीत सुनना, सकारात्मक सोच रखना, तनाव मुक्त रहना, सेहतमंद भोजन खाना, योग करना, ध्यान और प्रार्थना करना, रचनात्मक कार्य करना, अपने अजन्मे शिशु के साथ बातचीत करना। गर्भ संस्कार का महत्व। गर्भ संस्कार का सीधा अर्थ है अजन्मे बच्चे के दिमाग को शिक्षित करना। गर्भ संस्कार का जिक्र सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं मिलता बल्कि आयुर्वेद में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। आयुर्वेद में गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल तक के होने के समय को गर्भ संस्कार में शामिल किया गया है। गर्भ संस्कार की क्या होती है विधियाँ? गर्भधारण में के पूर्व ही गर्भ संस्कार की शुरुआत हो जाती है। गर्भिणी को दैनिक दिनचर्या, मासानुसार आहार, प्राणायाम, ध्यान, गर्भ शिशु की देखभाल आदि का वर्णन गर्भ संस्कार में किया गया है। गर्भिणी माता को प्रथम 3 महीने में बच्चे के शरीर सुडोल व निरोगी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। 3rd से 6th महीने में उनकी मानसिकता के लिए करना चाहिए। 6th से 9वें महीने में बुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बच्चे पर असर डालता है गर्भ संस्कार। गर्भ शिशु के दिमाग का विकास 3 से 7 महीने के बीच तेजी से होता है। ऐसे में 2.5 से 5 लाख सेल्स हर मिनट दिमाग में बनते हैं। इन्हें न्यूरोन्स कहा जाता है। तमाम शोध बताते हैं कि गर्भावस्था के दौरान जब माँ कोई क्रिया या बौद्धिक गतिविधि करती है, इससे बच्चे के न्यूरॉन्स पर सकारात्मक असर पड़ता है। इससे खुशी देने वाले हार्मोन्स को शरीर में स्राव बढ़ता है। ये भी माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान यदि माँ बीज मंत्र का जाप करे, बांसुरी या किसी अन्य वाद्य यंत्र की ध्वनि सुने तो बच्चे का दिमाग ज़्यादा सक्रिय होता है। विश्व भर की विभिन्न संस्कृतियाँ गर्भ संस्कार की तरह माँ और गर्भस्थ शिशु के बीच बंधन को मजबूत करने को बढ़ावा देती है। इसलिए दुनिया भर में गर्भवती माँ और पिता भी घर में पल रहे शिशु से बात करते हैं।